दोस्तों, ये किस्सा कॉमेडी किंग कहे जाने वाले अभिनेता महमूद साहब के निर्देशन में बन रही फिल्म जनता हवलदार का है। उस समय इस फिल्म की शूटिंग महमूद के फार्म हाउस पर हो रही थी, जहां राजेश खन्ना भी सेट पर मौजूद थे। शूटिंग के समय एक दिन महमूद साहब के बेटे ने राजेश खन्ना को हेलो कहा और वहां से चला गया। ऐसे में राजेश खन्ना को लगा कि महमूद के बेटे ने केवल हेलो बोलकर उनकी इंसल्ट की है और इसी वजह से राजेश खन्ना नाराज हो गए। उसके बाद राजेश खन्ना सेट पर देरी से पहुंचने लगे। वो घंटों तक महमूद को इंतजार करवाया करते थे, जो फिल्म में काम करने के अलावा फिल्म का निर्देशन भी कर रहे थे। महमूद राजेश खन्ना के इस व्यवहार से काफी परेशान हो गए। ऐसे में एक दिन महमूद ने अपना आपा खो दिया और राजेश खन्ना को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा कि आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और मेरी फिल्म आपको पूरी करनी पड़ेगी। इस घटना के बाद जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी की गई और रिलीज के बाद इस फिल्म को जनता ने काफी पसंद भी किया और राजेश खन्ना के करियर में एक और सुपरहिट फिल्म का नाम जुड़ गया।